हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यास्मीन द नेचर गर्ल। सो फ्रेंड्स, आज हम मटर के बीज होते हैं ना, जो मटर उसी से प्लांट तैयार करने वाले हैं। तो मैंने मेरे टेरिस गार्डन पे लगाया हुआ मटर प्लांट, उसी के फलियों से आज एक न्यू प्लांट तैयार करने वाली हूँ। यानी कि इन मटर से हम प्लांट कैसे तैयार करें, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। मैंने मटर के छिलकों से कुछ बीज निकाल लिए हैं, यानी मटर निकाल लिए हैं। उन्हीं को मैं टिश्यू पेपर पे ऐसे रख दूँगी और उसको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी और स्प्रे करके उसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। इसी तरह मैं फिर से थोड़े थोड़े लेकर ऐसे 2-3 हिस्सों में करके स्प्रे करके रख देना है। ऐसे ही स्प्रे कर लेना है हमें सभी पे, और इन्हें 3 दिनों के लिए इसे छोड़ देंगे और हर रोज़ इन्हें खोल कर हम स्प्रे करते रहेंगे ताकि हमारा टिश्यू पेपर सूख ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से गीला कर लिया है स्प्रे की मदद से। अभी मैं इन्हें ढक्कन लगा के रख दूँगी। देखिए 3 दिन हो चुके हैं हमारे, अभी आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से रखने से देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया कभी बेकार नहीं जाएगी। आप भी ऐसे टिश्यू पेपर में लगा के मटर तैयार कर सकते हो ताकि जल्द से जल्द उसके मोर फूट सके और वो जल्दी ग्रो कर सके। देखिए कितने अच्छे से हमारी मोर फूटी है, आप देख सकते हो। इससे हमारा प्लांट भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अभी मैंने मिट्टी ली है, उसमें कोकोपीट तैयार किया हुआ और गोबर, थोड़ी सी गोबर खाद, यानी 50% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% गोबर खाद डाली है। अभी मैं इसमें मटर को लगा दूंगी। मैंने इसे फिंगर की मदद से गड्ढा कर लेना है और इसमें मटर छोड़ देना है और ऊपर से ढीली ढीली मिट्टी को ऐसे छोड़ देंगे। सभी मटर को हम ऐसे लगा देंगे। देखिए हमारी मोर टूटे ना, इसलिए हमें इस तरीके से मटर को लगा देना है और उसके बाद हम इसे अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। देखिए अभी मैं इसे स्प्रे करके छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 15 दिन हो चुके हैं, हमारा रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो हमारे मटर प्लांट कितने अच्छे से ग्रो किए हैं। अभी मैं इनको निकाल दूंगी और बड़े पॉट में लगा दूंगी। हमने सेम प्रोसेस लिया है, मिट्टी गोबर का 50% गोबर और 50% गार्डन सॉइल। उसमें मैं अभी इन मटर के छोटे छोटे प्लांट को ऐसे लगा दूंगी। आप देख सकते हो मैं सभी प्लांट को ऐसे इसमें लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर भी इससे निकल नहीं गए हैं, इसी के साथ हैं और हमें ऐसे ही रखना है ताकि हमारे प्लांट में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मटर आएंगे। धीरे धीरे हमें ऐसे ही निकाल कर बड़े इसमें लगा देना है, ऐसे पॉट में। अभी इनको सहारे की ज़रूरत है, ये छोटे हैं, तो उसके लिए मैंने ऐसे लकड़ियों की मदद से उन्हें सहारा बना दूंगी। मैंने ये कुछ लकड़ियाँ ली है, अभी मैं इनको साइड से लगा दूंगी ऐसे ताकि हमारे प्लांट नीचे ना गिरे। मैं ऐसे साइड से पूरी लकड़ियाँ इसको लगा दूंगी ताकि हमारे मटर प्लांट अच्छे से ऊपर आ जाए, नीचे ना गिरे। फ्रेंड्स, मैं आपको मटर हार्वेस्टिंग का भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तरह से हमें इसे लगाकर ऐसे उनका सपोर्ट देना है ताकि वो सीधे ऊपर जा सके। इसी तरह मैं सभी लकड़ियों को ऐसे प्लांट से लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसमें स्प्रे कर दूंगी। मैं आपको पानी डालने का भी तरीका सिखा दूंगी।
आप हर रोज़ ऐसे स्प्रे तो नहीं कर सकते, तो मैं इस तरह से पानी डाल दूँगी। ऊपर से नहीं डालना है हमें, इसी साइड से पानी डालना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो?